हे गाइस, हमें राजा आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ईटीसी वर्ल्ड में। आपको हम बताने वाले हैं कि बीसीईसी का जो फॉर्म फिल हो रहा है वो कैसे भरना है, मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। पूरा प्रोसेस आपके साथ बने रहिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे जुड़ी हुई जानकारी अक्सर लेकर आया करता हूँ। और बीसीईसी का जो साइट है, इस पर जितना भी नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म आता है, जो भी आता है, मैं हर एक चीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। आप जाके पिछले ईयर भी मैंने बताया है, आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी के, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है अपना, और आप खुद से भी भर सकते हैं। तो मैं उसका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप पूरी तरह से इसको आप जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज उसका एंड स्क्रीन में मैं या फिर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना कोई देरी के। देखिए यहाँ पे दो नंबर में दिया हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक चीज स्लो डाउन भी कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर ऑफ बीसीईसी 2020, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने अंडरलाइन भी इसको कर दिया है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से। चलिए क्या करते हैं, अब इसको हम क्लिक करके फॉर्म भरते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, इस करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलता है जहाँ पे कि कुछ इस तरह का लिखा हुआ आता है ऊपर, जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ बीसीईसी 2020, देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे तीन चीज़ लिखा हुआ नीचे में ऑप्शन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, उसके बाद है क्या इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स लिखा हुआ है, उसके बाद है अप्लाई ऑनलाइन। तो क्या करना है आपको, जो है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्विक टिप्स लिखा हुआ है, क्या क्या कैसे करना है। चलिए हम क्या कहते हैं क्विक टिप्स को भी पहले पढ़ लेते हैं। देखिए आप लिखा हुआ है कीप द फ्लोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। आप देखिए मतलब कि आपके पास जिस समय आप फॉर्म को फिल कीजिएगा उस समय आप कुछ चीज़ें रखना होगा जो कि इस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या रखना है चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या क्या रखना जरूरी चीज़ है। देखिए पहला रखना है आपको ईमेल आईडी जो कि आपको पास में रखना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर रखना है पास में, उसके बाद आपको स्कैन कॉपी का जो है आपको अपना स्कैन कॉपी अपना फोटो रखना है, उसके बाद आपको जो है स्कैन कॉपी का सिग्नेचर रखना है, यानी 100 KB के अंदर होना चाहिए दोनों चीज़, उसके बाद आपको आधार कार्ड रखना है, और उसके बाद आपको डेबिट कार्ड नेटवर्किंग जिससे आप पेमेंट कीजिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो भी फॉर्म भरवाएंगे उनके पास ये है, हम मानते ही हैं कि उनके पास होगा ही। चलिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे भी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन एक आ रहा है कि साइन इन, दूसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन, तीसरा है एक्टिवेट योर अकाउंट। तो करना कुछ नहीं होता है, चलिए हम क्या करते हैं आपको बताते हैं किस तरह से क्या करना है। तो चलिए बिना कोई देरी के अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ जो है पूरे मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुलता है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको अपना कोर्स यानी कि जो कोर्स ग्रुप है वो डालना है। ऊपर पे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जाम बीसीईसी 2020, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, यानी मिडिल नेम जिसको सेकंड नेम बोलते हैं, लास्ट नेम आपको डाल देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको फिर से नाम को यहाँ पे जो है री एंटर करना है। जैसे कि ऊपर पे हमने जैसे कि आपको किसी का नाम भरना है, जैसे गोपाल कुमार, तो गोपाल यहाँ और कुमार लास्ट नाम में डालना है, फिर आपको यहाँ गोपाल यहाँ कुमार डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल लेना है, और फिर री एंटर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाल रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो इसको ये आपको यस कर लेना, अगर बिहार से आप हैं तो उसको यस कर लेना है, अदरवाइज अगर नहीं है तो नो कर लेना है। अब पूछा जाए रिजर्व कैटेगरी, आप किस कैटेगरी यानी कि कौन जाति जो कौन सा है आपका, आपको जाति लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको फिर जाता है कि फिर से वही कि रीसेलेक्ट रिजर्व कैटेगरीज, आपको फिर वही सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछता है डू यू क्लेम डिसेबल्ड कोटा, यानी कि क्या आप विकलांग हैं, मतलब जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए है ये, अगर ये है तो यस कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर मेल आईडी रखना है, फिर आपको यहाँ पर डालना है अपने, हाँ यहाँ पे पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको अपने मन से जेनरेट जो लिख सकते हैं, जैसे कि जो भी हो, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कोई भी चीज़ एक, तो आपको अपने मन से जेनरेट, जैसे कि मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको क्या, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ा सा अक्षर में, मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, देख लीजिए एक बार कि क्या दे, जैसे कि क्या दे सकते हो आप यहाँ पे, मैं वो दिखा देना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मैं एक बार आपको लिख के देता हूँ ताकि आप जो है समझ पाओ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, जैसे हैच या फिर एट द रेट लगा दीजिए, आप ऐसे भी डाल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। वो डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, डालने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो ये चीज़ है कि ये चीज़ क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपना कोई भी चीज़ जो कि आपका फेवरेट है, यानी कि अगर ये दोनों चीज़ अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं, फॉरगेट टाइम आपसे जो है ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आप फॉरगेट करना चाहते हैं या फिर रीसेट किया जाते हैं, उस समय आपसे ये चीज़ लिया जाता है। तो करना कुछ नहीं, आप अपना निक नेम चाइल्डहुड यानी कि बचपन का जो नाम है तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि बच्चा, बउआ, नूनू, जो भी होता है वो डाल सकते हैं आप, या फिर आपका जो नाम है वो डाल लीजिए, और फिर आंसर की सेम उसको या जो है आप क्या लिख सकते हैं योर सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आप सिक्योरिटी क्वेश्चन या फिर कैप्चा बोलते हैं वो आपको यहाँ फिल करके साइन इन पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपके मेल आईडी और ईमेल आईडी और आपका जो मेल आईडी और प्लस आपका जो मोबाइल नंबर वो टीपी जाएगा, उससे आपको वेरीफाई करना है, जैसा कि मैं आप कर देते हैं, आपको आप करके दिखाते हैं क्या कैसे करना होता है।
फाइनली मैंने देखा यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लिया है मैंने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए सेलेक्ट किया। अगर आपको पीसी भी करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो वो कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर के लिए करना है तो एग्रीकल्चर के लिए जाएगा। पीसीएम मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और प्लस मैथ एंड बायोलॉजी, तो ये कर लिया मैंने। नाम और डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ फिल कर लिया, नंबर डाल लिया, और करने के बाद मैं क्या करता हूँ आप यहाँ पे कैप्चा डाल के साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट नेम डज नॉट मैच, यानी कि अगर कुछ गलती होगा तो आपको यहाँ पे शो करने लगता है। देखिए क्या किया है मैंने, अब यहाँ पे जो शो नहीं कर रहा था क्या रीज़न है हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने स्पेस दे दिया और वहाँ स्पेस नहीं था। ये करने के बाद आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ पे मेरा सारा डिटेल आने लग गया, सब कुछ वो करता है। मैं कन्फर्म पे करूँगा, कुछ चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे आपके द्वारा जो भी चीज़ अगर आप मतलब कि अब जो यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल बीसीसी के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया है, जैसा कि मुझे मैसेज भी आ गया, और आपको शीघ्र ही सक्रिय लिंक और लॉगिन विवरण युक्त एवं पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा, जैसा कि मुझे ऑलरेडी आया है। क्या करते हैं यहाँ पे इंटर एक्टिवेट कोड पे का जाना है। इस पे जाने के बाद देखिए यूजर आईडी जो है आपका, जो आपका यूजर आईडी है यानी कि जो आपका ईमेल आईडी है वो डाल लेना है। डालने के बाद आपका एक्टिवेट कोड गिरता है आपके मोबाइल पे या फिर आपके मेल आईडी पे, तो मेरा मेल आईडी पे गिर चुका है और मैं यहाँ से अपना जो मेल आईडी में वो डाल लेता हूँ। ये करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए बोला था इनवैलिड एक्टिवेशन कोड, मुझे गलत बताया जा रहा है। चलिए क्या करते हैं हम एक बार देख लेते हैं कि मेरा इनवैलिड कोड क्या है, जैसा कि हम जैसा मिस कर रहे हैं। तो जी हाँ, थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि मेरा जो है ये कोड गलत बता रहा है, कहीं ना कहीं मैं जैसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं गलत डाल रहा हूँ। चलिए क्या करते हैं मेल चेक कर लेते हैं। वो डालने के बाद आपको अपना एक्टिवेशन कोड डालना, जैसा कि मेरे पास एक्टिवेशन कोड आ गया। वो डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक की जगह देखिए यहाँ पे लिखा गया लॉग इन, हे राज योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। जो मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड डाला था उस टाइम रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, वही आपको यहाँ पे फिल करना। मैं लॉग इन पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देखिए मुझे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने को बोलता है, तो मैं उसको अब डाल लेता हूँ। मैंने पुट कर दिया, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मुझे देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन पे लेके चलाया, जहाँ पे कि आपको यहाँ पे चार ऑप्शन है इसको को फिल करना है। पहला देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दूसरा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तीसरा है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, और चौथा है प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन। तो ये क्या करना है आपको जो भी है इसको अब हमको करना है, क्या क्या कैसे कैसे को फिल करना है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी आ गया, मेरे पिताजी का नाम डालना है, फिर उसके बाद आपको मदर का नाम डाल लेना होता है, उसके बाद आपको जेंडर, जेंडर मतलब आप मेल है या फीमेल वो डालना होता है, फिर पूछा जाता है, फिर री इंटर यानी कि वही डालना है आपको। उसके बाद पता है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपके गले में तिल वगैरह या फिर कहीं बॉडी में का कोई कटा वटा का निशान। फिर पूछता है डू यू क्लेम सर्विस मैन कोटा, या क्या आप सर्विस कोटे से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं, तो आपको नो कर देना है इसको। अब इसे यूज फैमिली मतलब कि आपका जो फैमिली है उसका जो लेस देन 8 लाख से कम है या फिर अधिक है वो आपको करना है, तो मेरा शायद नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। फिर पूछता है कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक चीज़ और कि इज योर फैमिली एनुअली इनकम लेस देन 8, क्या यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपका जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो यस करना है। बहुत लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं, शायद यस कर देते हैं। उसके बाद आपको पूछता है डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग अपेयरिंग ISC, मतलब पूछता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से जो है आप इंटरमीडिएट जो कर रहे हैं या फिर पास हैं किस डिस्ट्रिक्ट से, तो मैं भागलपुर से हूँ, तो भागलपुर से जो भी आप जहाँ से भी उसको आप पुट कर लेंगे, तो मैं क्या करता हूँ भागलपुर यहाँ पे जाकर इसको डाल देता हूँ। मैंने ये पहले भर लिया क्योंकि ये चीज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ये जो है लिखा हुआ है इज योर फैमिली एनुअली इनकम, ये चीज़ मिस कर जाते हैं। तो आप देखिएगा कि इसको आप नो मत कर लीजिएगा, इसको आपको येस करना, क्योंकि मैंने भी बहुत बार कर दिया है, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। आप चलिए क्या कहते हैं हम यहाँ पे अपना फादर नाम डाल लीजिए, जो मेरे फादर का नाम है मैं वो डाल लेता हूँ। मैंने वो पुट कर लिया, मदर नेम है वो भी डाल लेते हैं। उसके बाद आपको जो है नीचे आना है, जेंडर सर्च करना है, तो जेंडर पे मैंने फटाफटा कर लिया जो आपका कोई तिल, तो मुझे मेरे फेस पे तिल है तो मैं कर लेता हूँ ए मोल ऑन फेस। जान लीजिए तिल को जो हम इंग्लिश में मोल बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका एड्रेस आता है, एड्रेस आपका जो है वो डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेना है, उसके बाद आपको अपना स्टेट चॉइस कर लेना है, उसके बाद फिर पिन डाल लेना है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कॉरपोरेंस एड्रेस, यानी कि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप आपका जन्म कहीं और आप रह कहीं और रहे हैं तो उस कंडीशन में आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो मेरा दोनों सेम है, मैं सेम कर लेता हूँ। मेरा ईमेल आईडी आ गया, आप यहाँ पे बोला जाता है कि सबमिट एंड कंटिन्यू, मैं सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे बोला जाएगा मेरा जो है कि अपना फोटो और जो है सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अपलोड करना होता है। तो क्या करते हैं हम अब जो है जो भी आप कितना कैपी में करना है, क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रिडेड में, आप इसको पढ़ लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है नहीं बनता, आप मुझे कमेंट भी कर लेंगे, मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। क्या करते हैं चलिए हम जो अपने फोटो को, लेकिन एक चीज़ आपको हरदम याद रखना है कि 100 DPI में आपको स्कैन करना है। चलिए क्या करते हैं।
अब देखिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे चॉइस पे क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद क्या करना है, मेरा जो मैंने जो करके रखा है स्किन, मैं उस पर चले जाता हूँ। और मेरा जो फाइल है, जानते ही हैं कि अब मैं कैफे चलाता हूँ तो मेरे पास सारा कुछ सेव रहता है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं अपना फ़ोटो को लेता हूँ और ये मेरा फ़ोटो, मैंने डाला, मेरा फ़ोटो आ गया। मेरा इंग्लिश का सिग्नेचर जो है, मैं इंग्लिश का सिग्नेचर इसमें डाल लेता हूँ। जैसा कि देखिए, अब मुझे देखिए आपका चीज़ जो चीज़ नहीं रहेगा वो यहाँ लेगा भी नहीं। एक चीज़ इसमें ये चीज़ भी अच्छा चीज़ है। तो देखिए ये बोला जाता है कि प्लीज़ अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर हैविंग ए मिनिमम विथ 3, यानी कि 300 पिक्सल में होना चाहिए मिनिमम। हाइस्ट जो उसका है 100 पिक्सल, यानी कि हाइट जो होना चाहिए, हाइट और उसका जो लेंथ होता है वो लेंथ बढ़िया से होना चाहिए। जैसा कि मेरा देखिए ये गड़बड़ है, तो ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद फिर आपको देखिए मेरा दोनों चीज़ गड़बड़ है, तो ये चीज़ आपको करने के लिए आप क्या करना है, आपको कर लेते हैं, करके भी बता देते हैं आपको कैसे करना होता है। जैसा कि मैं ले लेता हूँ इसको, यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अब देख लेता हूँ इसका मेरा पहले क्या क्या 18 KB है। अब यहाँ पे देखिए मांग क्या रहा है, थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए बोला जाता है यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर शुड बी मिनिमम 300, उसके बाद हाइट जो है 100, नोट अपलोडेड टू बी 100 KB, यानी कि 100 KB, यानी ठीक है आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। करना क्या था, कुछ नहीं, इस पर आपको आना है, यहाँ चले जाते हैं जहाँ से जाना है। यहाँ आने के बाद हम इस पर जाएंगे, एडिट पे क्लिक कर लेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाता है, आपको अगर रिसाइज पे क्लिक करना है, पिक्सल्स पे आना है, और यहाँ पे इसको करने के बाद आपको इसको 300 कर देना है, 300, और इसको कर देना है 100। ये इसका हाइट हो गया। अगर आप हाइट ऐसा बने, देखिए हाइट मतलब ये होता है, और ये जो है हॉरिजेंटल जिसको बोलाता है ये रहा, इसको ओके कर लेते हैं। ये करने के बाद ये मेरा साइज़ हो गया। अब देखिए शायद मेरी भी अब ले ले, देखिए मैंने यहाँ किया और मेरा यहाँ पे अपलोड ले लिया। समझ रहे हैं आपको किस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। अगर इस कंडीशन में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आप राजोरो का नाम ले लीजिए, हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ आते हैं, और उसके बाद फिर से इसको वही सेम कंडीशन में अप्रूव कर लेंगे, इसको 300 कर लेंगे और नीचे वाले को 100 कर लेंगे। करने के बाद इसको ओके करना है, फिर ये देखिए मेरा कन्वर्ट हो चुका है। इसको फिर हम यहाँ से करेंगे, और ये मेरा यहाँ पे भी इंग्लिश का भी हिंदी का आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए देखिए नोट में लिखा हुआ है कि प्लीज़ अपलोड क्लियर फोटो सिग्नेचर मोस्ट बी व्हाइट बैकग्राउंड यूजिंग। लेकिन देखिए ये व्हाइट वगैरह जो बोला जाता है ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्लू वगैरह भी डाल सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चीज़ नहीं करना है। ये सब जो है एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा हूँ। अब क्या करते हैं, बिना कोई तरीके सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका देखिए दो चीज़ जो है यहाँ पे, दो पैनल, जैसा कि आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, दो पैनल आपका जो है यहाँ पे देखिए दो पैनल ग्रीन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ है, ये हो गया। और दो में देखिए यहाँ पे कट 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 कुटका लगा हुआ है, मतलब ये आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो वो उसको क्लियर कर लेते हैं चलिए जल्दी से बिना कोई देरी किए हुए। अब देखिए करना क्या है, आप जो है अब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया सेकेंडरी, तो आप यहाँ पर पूछा जाता है स्कूल कॉलेज नेम, तो जो आपका नाम है वो डाल दीजिए, मेरा NKHS है, मैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो बोर्ड से हैं बिहार बोर्ड या फिर CBSE या फिर CISE या फिर जो भी NIS हो, तो अगर आपसे NIS हो, अगर इसमें आपका ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको अदर चॉइस कर लेना है, तो मैं बिहार बोर्ड से हूँ। पासिंग, अगर आप पास हैं तो ये पास पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछा था कब पास किया, तो मैंने किया है जो भी मैंने 10th पास किया 15 में, इस पर डाल लेता हूँ। परसेंटेज पूछा जाता है, परसेंट अगर आपका CGPA में है तो CGPA पे आपको चॉइस कर लेना है। मेरा परसेंटेज है जो भी मेरा नंबर है, मैं क्या करता हूँ 405 है और आया है मुझे 500 में, तो वो डाल लेना है। तो मेरा परसेंटेज यहाँ पे शो कर देता है। अब ISC पूछा जाता है, ISC में कब क्या किए हैं, ISC में पूछा जाता है स्कूल कॉलेज, तो जो भी आपका नाम है वो डाल लीजिए। उसके बाद आपका बोर्ड है वो चॉइस कर लीजिए। फिर पासिंग, अगर आप अपेयरिंग, यानी अपेयरिंग मतलब वो होता है कि अगर आप पढ़ ही रहे हैं 12th में हैं और आप एग्जाम नहीं दिया फाइनल ईयर का, तो आप इसको भर सकते हैं। तो मैं अपेयरिंग में हूँ तो अपेयरिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा देखिए 20 का ऑटोमेटिक आ गया। आप मुझे परसेंटेज भी नहीं पूछेगा ना CGPA पूछेगा। मैं 7 कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद देखिए आपको जाता है प्लीज री इंटर योर हैविंग फील्ड एजुकेशन इन, इसको मैं ओके करता हूँ और मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद सारा कुछ डिटेल मेरा आ गया, आपको इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सारा कुछ यहाँ पर शो करने लगता है। ये करने के बाद आपको आई कन्फर्म द इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप कंटिन्यू सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको कोई जगह दिक्कत होता था क्या करिए, इस पर आप जो है बैक टू एडिट पे आ सकते हैं। इस पर कन्फर्म कीजिए, सबमिट पे करने के बाद आपको जाता है बिफोर कॉन्फिगरेशन। अगर आप चाहते हैं कि कोई सुधार करने तो नो कर लीजिए, या फिर नहीं चाहते हैं कि मेरा आपको कुछ सही है तो यस कर लीजिए। करने के बाद आपको यहाँ लेके चले आता है, आपको जाना है परस्यू टू पेमेंट, इस पर क्लिक करना है और पेमेंट कर लेना है 1000 का पेमेंट। आपको टाइप ऑफ पेमेंट हो जाता है, तो अगर आपको ऑफलाइन करना है चालान के थ्रू भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन करने के लिए जाऊंगा और मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, तो मैं क्या करता हूँ डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। ये करने के बाद आप पेमेंट कर लीजिए और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया किस तरह से आपको BCEC का फॉर्म भरना था, इसी तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने माध्यम से और मेरे माध्यम से। दोस्तों मेरा कमेंट कीजिएगा, किस तरह का इस फॉर्म भरने में दिक्कत आता है मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको पूरी तरह से सहायता करूंगा। दोस्तों मेरा एक और भी चैनल है राजगौरव7 करके, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उस पर अक्सर ब्लॉगिंग का वीडियो डालता करता हूँ, आई होप उसको पसंद आएगा। मेरा एक इंस्टाग्राम ID है, अगर आपको उस पर भी हमसे आप बात कर सकते हैं @GuloMulo7, आप मुझे उस पर आके बात कर लीजिए। और अगर चैनल को देख लिया लास्ट एंड तक, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल